मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से मेरे सारे अपनों को 17 अगस्त 2024 को बाबा के 100वें जन्मदिन पे होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा बताते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील कर रहा हूं, ऐसे आप भी वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपनों से अपील करें। सारे मेरे अपने 16 अगस्त को 11 बजे हर्ष वाले हमारे एनडीए ग्राउंड पे 1100 पौधे लगाए जाएंगे, आप सादर आमंत्रित हैं। 16 अगस्त की रात को 8 से 12 प्रकाश जी मालिक के द्वारा गुरु भक्ति के भजनों का प्रोग्राम है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। 17 तारीख को 10 बजे आप सीएलसी विजय ग्राउंड आए, 10 से 11 बजे तक मंच का प्रोग्राम होगा, हमारे मेहमानों का मंच पे स्वागत किया जाएगा, मेहमानों के आशीर्वचन सुनेंगे, गुरु महिमा की बातें की जाएगी, ठीक 11:15 बजे नाथ जी और बाबा की आदमकद दोनों मूर्तियों का लोकार्पण होगा। उसके बाद उधर साइड में 11:15-11:30 बजे रक्तदान का शिविर स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्लड डोनेट करना चाहें वो भी स्वागत है। इसके अलावा फिर आप दिन में अपनी सुविधा से 7:30 बजे जो हमारे टाइम असेंबली का सारे लोग सेल से पधारें और पुष्पांजलि दें, आशीर्वाद दें। जब उन गुरु के आशीर्वाद से मेरा जैसा एक सामान्य गाँव में पैदा हुआ, एक अध्यापक घर पैदा हुआ लड़का श्रवण से श्रवण सीएलसी बन जाता है, माफी चाहता हूँ, देश में कहीं भी जाता हूँ तो सीएलसी और उच्च आप तो सीएलसी से हो गया, और एक ही बात आती है सीएलसी वाला सीकर, जिस संस्था के नाम पे शहर की पहचान है। ये कोई मेरा अहंकार नहीं है साहब, ये मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पण है, एक भाव है कि उनके द्वारा लगाया गया बीज, उनके द्वारा लगाया गया पौधा आज सीकर में शिक्षा नगरी के रूप में वो सीएलसी वाला सीकर नाम प्रसिद्ध है। दोस्तों यही बात मुझे आपसे कहनी थी, तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस बात को अधिकतम मैक्सिमम जितना अगले 3-4 दिन आप अपनों तक पहुँचाएं, ताकि 16 अगस्त 17 अगस्त को पूरे उत्तरी भारत में लगे कि एक ऐसे गुरुदेव का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसने एक व्यक्ति को एक सामान्य से कोयले से निकले इंजीनियरिंग कोयले से निकले श्रवण को एक बीज दिया और आज शिक्षा नगरी के रूप में पहचान हो सीकर की। मेरे सारे अपने सादर आमंत्रित हैं। दोस्तों नमस्कार।